खबर पवई से है, जहां स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव कार्यक्रम माता कैलही मंदिर प्रांगण में संपन्न हुआ। देश के प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत की कल्पना को साकार करने के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 हेतु पूरे प्रदेश में स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर परिषद पवई के द्वारा स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत प्लॉग रन, दौड़ेगा मध्य प्रदेश जीतेगा मध्य प्रदेश का आयोजन नगर परिषद कार्यालय में माँ कैलही देवी मंदिर तक हुआ और सफाई कर्मियों द्वारा मुख्य मार्गों की सफाई की गई। इसके पश्चात प्रेरणा सम्मान समारोह संपन्न हुआ, जिसमें स्वच्छता में योगदान देने वाले कर्मचारियों व अन्य लोगों का सम्मान किया गया। इसके बाद LED स्क्रीन पर मुख्यमंत्री के उद्बोधन का लाइव प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान SDM KS गौतम, CMO मिथिलेश दुबे, SI अंजलि सिंह राजपूत, ARI मुरारी लाल बर्मन, उमाकांत खरे, सुदीप नगायच, प्रदीप बाल्मीकि सहित नगर परिषद के कर्मचारी मौजूद रहे। नगर परिषद अवई द्वारा स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव कार्यक्रम का मनाया जा रहा है। हम लोग जो है नगर परिषद कार्यालय से निकले, स्वास्थ्य कर्मचारी सभी स्वच्छता कर्मचारी थे, नगर के जनमान नागरिक भी थे और स्वच्छता प्रेमी नागरिक भी जो हमारी सफाई कर्मियों के साथ चल रहे थे और नगर के विभिन्न मार्गों में जहाँ भी अस्वच्छता दिखाई दी वहाँ पर जो है स्वच्छ किया गया, साफ सफाई की गई और एक लोगों को प्रेरणा दी गई कि अपना जो है कोरोना काल बस एक तरह की जो थर्ड वेरियंट आ गया है उसको देखते हुए सभी लोग अपना आसपास जो है पूरा स्वच्छ बनाए रखें, ये प्रेरणा जो है कर्मचारियों ने। और यहाँ नगर के विभिन्न मार्गों के होते हुए हम लोग माँ कैलही के दरबार में आ गए हैं और यहाँ पर जो है सीढ़ी से प्रसारण होना है भोपाल के बीच, वो सभी नागरिकों को दिखाया जा रहा है और नुक्कड़ नाटक का भी यहाँ आयोजन किया गया है। नुक्कड़ नाटक हुआ और सभी विद्वान लोग भी यहाँ पर हैं तो अपने अपने विचार जो है व्यक्त करेंगे स्वच्छता के बारे में। सभी ये चाहेंगे कि ये कोई भी अस्वच्छता हमारे नगर में नहीं रहे और यहाँ पर अभी 1 जनवरी में बहुत बड़ा कार्यक्रम भी होता है, वो मेला भी होने वाला है, उसको देखते हुए जन सामान का सहयोग आ गया है। सभी जन सामान के सो आतुर है कि हमारे यहाँ स्वच्छता है, हमेशा जो है स्वच्छता जी सर, बहुत आपने देखा।